चलिए और बात करते हैं रेलवे के खिलाफ पिछले कुछ दिनों से जारी साजिश की। जी हां, बुरहानपुर में रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर मिले, बहुत बड़ी खबर है ये। आर्मी ट्रेन गुजरने से पहले ये डेटोनेटर मिले हैं। कानपुर में रेलवे ट्रैक पर मिला गैस सिलेंडर, बठिंडा में रेलवे ट्रैक पर मिले सरिये। तो इस तरह से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं और ये इशारा है किसी बड़े षड्यंत्र का, किसी बड़ी साजिश का। तो चलिए आपको विस्तार से कल सामने आई तीनों घटनाओं के बारे में बताते हैं कि करके। सबसे पहली घटना मध्य प्रदेश की है जो कि बुरहानपुर में रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर मिलने के बाद सामने आई है। आर्मी ट्रेन गुजरने से पहले डेटोनेटर में ब्लास्ट। और दूसरी घटना है उत्तर प्रदेश की, कानपुर में रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर बरामद और प्रेमपुर स्टेशन के पास 5 किलो का सिलेंडर मिला है। और तीसरी घटना पंजाब की है, बठिंडा में रेलवे ट्रैक पर सरिये रखे मिले, बठिंडा के बंगी नगर के पास की ये घटना है। तो इस तरह से ये तमाम घटनाएं सामने आई हैं और ये इशारा कर रही है कि आखिर किस तरह का षड्यंत्र चल रहा है। इधर यूपी के रामपुर में 18 सितंबर को रेलवे ट्रैक पर लोहे का पोल मिलने के मामले में खुलासा हुआ है। रामपुर पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। रेलवे ट्रैक से पोल चुराकर ले जा रहे थे दोनों, ट्रेन आती देख ट्रैक पर पोल छोड़कर भागे दोनों। 18 सितंबर को रेलवे ट्रैक पर मिला था पोल। कुमार कुंदन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। कुमार, जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, कुछ तो ऐसा लग रहा है कि दुर्घटनावश हुआ है मामला और कई मामलों में लग रहा है कि बड़ी साजिश है, बड़ा षड्यंत्र है। डेटोनेटर जैसी चीजें ट्रैक पर मिल रही है। निश्चित रूप से, खास करके मध्य प्रदेश में जो घटना हुई है उस घटना के बारे में सबसे बड़ी परेशानी इस बात को लेकर है कि वह नॉर्मल ट्रेन नहीं थी, ना तो वह पैसेंजर ट्रेन थी, ना वो गुड्स ट्रेन थी, वो सेना की स्पेशल ट्रेन थी। स्पेशल व्हीकल को कहीं ना कहीं निशाना बनाया गया और उस ट्रेन की अगर बात करें तो वहां डेटोनेटर लगाए गए थे। और बड़ी मजेदार बात है रवि कि डेटोनेटर्स भी कहीं और से नहीं लाए गए थे बल्कि रेलवे के ही डेटोनेटर्स थे जिसको लगाया गया था। रेलवे की तरफ से कहा गया कि वो डेटोनेटर एक्सपायर हो गए थे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक्सपायर हो गए तो फिर ब्लास्ट कैसे हुआ और रेलवे के डेटोनेटर्स रेलवे के ही मतलब जो गोडाउन से निकल कर वहां तक कैसे पहुंचे। तो कई सारे ऐसे सवाल है जिस पर बड़ी साजिश की बू आ रही है। यही वजह है कि रेलवे के आला अधिकारी से लेकर तमाम एजेंसियां वहां पहुंची और जांच में जुटी हुई है कि आखिरकार ये सब कुछ कैसे हुआ। पंजाब में भी अगर बात करें तो पंजाब पुलिस ने जो प्रेस नोट जारी किया उसमें बठिंडा में जो सरिया मिलने की है बात उसको बताई और तमाम तरह के उसमें भी जांचें चल रही है। यूपी की अगर बात करें तो कानपुर में पहले भी कुछ घटनाएं हुई थी और जिस तरह के गैस सिलेंडर मिलने की घटना हुई है वह भी जांच का विषय है। तो निश्चित रूप से हालिया दिनों में जो परेशानी देखने को मिल रही है ट्रैक को एक तरह से कह सकते हैं कि खराब करने की कोशिश से और ट्रेन को डिरेल करने की ये सारी साजिश नजर आ रही है। रेलवे की ओर से ट्रैक मित्र वगैरह भी बनाए जा रहे हैं लेकिन इतनी बड़ी संख्या में ट्रैक मित्र की जरूरत जो है एक तरह से कह सकते हैं उसको पूरा करना बहुत मुश्किल है, खास करके जब हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा रेल का नेटवर्क है। रवि, शुक्रिया कुमार आपका इस जानकारी के लिए, हमसे जुड़ने के लिए।